नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मयूरेश और आज हम डिस्कस करेंगे 9th अप्रैल टू 11th अप्रैल के करंट अफेयर्स। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन की है। तो हमारे डिस्कशन के आज के टॉपिक है सभी, हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की यह स्कीम है, इसके अंडर आपको हर एक नागरिक को जेनरिक मेडिसिन मिलेगा अफोर्डेबल प्राइसेस में भारतीय जनऔषध केंद्र के थ्रू। उन जनऔषध केंद्र में जो भी फार्मासिस्ट काम करेंगे उनको बोला जाएगा स्वास्थ्य के सिपाही। और रिसेंटली कोरोना के आउटब्रेक में ये स्वास्थ्य के सिपाही जो है वो एसेंशियल डिलीवरी सर्विसेज दे रहे हैं मेडिसिन की डोर स्टेप में पेशेंट्स और एल्डरली पर्सन के लिए। तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसएस ऑफ इंडिया, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। और इस स्कीम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ के भी लोग इसके अंदर शामिल है। तो जेनरिक मेडिसिन यानी क्या, तो इसका कोई भी डेफिनेशन नहीं है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। जेनरिक मेडिसिन यानी ऐसी मेडिसिन जिसका जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है एंड जिसका जो भी डोसेज है, डोसेज होता है वो सेम होता है ब्रांडेड मेडिसिन जैसा, उसको सेम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हमारा सेकेंड टॉपिक है इंटरपोल, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली इंटरपोल ने पर्पल नोटिस जारी किया अपने मेंबर कंट्रीज के लिए कि जो भी हॉस्पिटल्स कोरोना के ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके साइबर सिस्टम से उसके ऊपर साइबर अटैक्स हो सकते हैं रैनसमवेयर के। तो ऐसे भी टाइप्स के नोटिस है इंटरपोल की, रेड नोटिस, ग्रीन नोटिस, येलो नोटिस, ऑरेंज नोटिस, ब्लू नोटिस, पर्पल नोटिस, ब्लैक नोटिस, स्पेशल नोटिस। तो अभी पर्पल नोटिस जारी की है। तो इंटरपोल एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सभी मेंबर कंट्रीज के पुलिस फोर्स को कोऑर्डिनेट करता है। इसके हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1923 में और इंडिया ने इसको 1949 में ज्वाइन किया। इसकी जनरल असेंबली के जो रिजोल्यूशन है वो वोटिंग से पास होते हैं और हर एक मेंबर कंट्री को एक वोट होता है। हर एक मेंबर कंट्री के एक पास एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है इंटरपोल के लिए, जो कि बाकी मेंबर कंट्री से कोऑर्डिनेट करेगा और इंटरपोल के जनरल सेक्रेटरी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो इंडिया का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सीबीआई कौन सी टाइप की बॉडी है, एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूएन वेमेन। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस वेमेन ने यह कहा है कि कोरोना के लॉकडाउन के दरमियान वुमेन्स, महिलाओं के खिलाफ जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो बढ़ गया है और उसको उन्होंने शैडो पैंडेमिक के नाम से उसको कहा है। तो इसका फॉर्मेशन, यूनाइटेड नेशंस वुमेन का फॉर्मेशन हुआ था 2010 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये जेंडर इक्वालिटी और वुमेन के एम्पावरमेंट का काम करती है। तो इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं इसके खिलाफ, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने वन स्टॉप सेंटर को लिंक किया है सभी लोकल मेडिकल टीम्स, पुलिस ऑफिसर्स, फिर निमहंस और नलसा के साथ में। तो निमहंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस है जो कि बेंगलुरु के अंदर लोकेटेड है। तो वन स्टॉप सेंटर क्या है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, एक सब स्कीम है नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की। तो जो भी वुमेन, जो भी प्राइवेट और पब्लिक स्पेसेस में जिनके खिलाफ हिंसा होती है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए स्कीम सेंटर बना है। इसको फंडिंग आती है निर्भया फंड से और 100% सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस देती है फाइनेंशियली। इस सेंटर के अंडर क्या क्या सर्विसेज मिलते हैं, तो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सर्विस मिलती है, रेस्क्यू सर्विस मिलती है, मेडिकल असिस्टेंस मिलता है, FIR लॉजिंग के लिए असिस्टेंस मिलता है, लीगल सर्विस मिलती है, काउंसलिंग मिलती है और शेल्टर फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल है। फिर वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया है। तो जो भी वुमेन अपने घरों से दूर जॉब पे जाती है उनकी सेफ्टी के लिए हॉस्टल्स निर्माण किए गए हैं। फिर स्वाधार स्कीम है, जो भी वुमेन डिफिकल्ट सिचुएशंस में है, सर्कमस्टेंसेस में है, उनको फूड, शेल्टर, काउंसलिंग, ट्रेनिंग और लीगल एड देने का काम ये स्कीम करती है। देन उज्ज्वला स्कीम है, जो भी वुमेन ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की शिकार है उनको रिहैबिलिटेशन एंड उनको हेल्प करने के लिए उज्ज्वला होम स्कीम बनाई गई है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, जीसेड। तो इंडिया के पुणे बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने रिसेंटली 9 जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा दिए है जीसेड को। तो जीनोम सीक्वेंसिंग यानी क्या, तो जीनोम सीक्वेंसिंग यानी किसी भी डीएनए या फिर आरएनए की जीएनए इंफॉर्मेशन को रीड करना, इंटरप्रेट करना, उसको बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। तो डीएनए के कंपोनेंट्स होते हैं एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से किसी भी वायरस का जो भी ट्रांसमिशन रूट है और वायरस कैसे आप खुद को अडेप्ट करता है अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में उसकी स्टडी की जा सकती है।
फिर जी सेड एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उसको WHO ने बनाया था 2008 में। देन इंडिया में ऑलरेडी कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तेलंगाना के अंदर और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी न्यू दिल्ली के अंदर। तो CSR के बारे में हम यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एक 1940 में बनाया गया था, एक रिसर्च बॉडी है जो कि साइंस एंड टेक के एरिया में R&D करती है। इसको 2020 का नेचर रैंकिंग इंडेक्स का फर्स्ट प्राइज मिला था। तो आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर CSR आता है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। फिर नेक्स्ट है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये हाईएस्ट लेवल की रिसर्च बॉडी है जो कि मेडिकल रिसर्च को प्रोपोगेट करती है, फॉर्मुलेट करती है, उसको प्रमोट करती है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो ये वो रेट होता है, ये वैसा मिनिमम रेट होता है जिस रेट के नीचे कोई भी बैंक किसी भी पर्सन को कर्जा नहीं दे सकती। ओके, इट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट ए बैंक कैन लेंड एट। ओके, तो ये चार पैरामीटर्स पे MCLR को कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरिंग ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनर प्रीमियम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2016 से MCLR मेथडोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया है और बेस सिस्टम को हटाया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समाधान चैलेंज। तो एक ऑनलाइन चैलेंज है समाधान जो कि स्टूडेंट्स के इनोवेटिव एबिलिटी को चेक करेगा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के इनोवेटिव सेल ने और AICT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया मूव टू WTO ऑन US टैरिफ। तो रिसेंटली US गवर्नमेंट ने जो भी स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के जो इम्पोर्ट उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, इससे इंडिया को ट्रेड में नुकसान होने वाला है। तो इंडिया ने WTO के सेफगार्ड एग्रीमेंट्स के अंडर USA से कंसल्टेशन की बात की है। तो हम WTO और GATT के बेसिक्स में जाते हैं। तो GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1944 के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जहां पे IMF और वर्ल्ड बैंक बने थे वहां पे GATT का ओरिजिन हमें दिखाई देता है। फिर GATT का जो सिग्नेचर हुआ था जेनेवा में फॉर्म हुआ था 1947 में और ये एनफोर्समेंट में आया 1 जनवरी 1948 से। तो 1948 से लेके 1995 तक जो भी वर्ल्ड ट्रेड था, इंटरनेशनल जो ट्रेड था, उसको गवर्न कर रहा था GATT। और फिर 1995 में माराकेश एग्रीमेंट से जो भी उरुग्वे राउंड हुए GATT के 1987 से लेकर 1994 तक, और आखिर में माराकेश एग्रीमेंट साइन हुआ, उस एग्रीमेंट से बना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो रिसेंट 1995 से अभी तक वर्ल्ड ट्रेड जो भी इंटरनेशनल ट्रेड उसको रेगुलेट करता है WTO। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चाइना एट टॉप इन ग्लोबल पेटेंट रेस। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेटा सामने लाया है कि चाइना से इंटरनेशनल पेटेंट्स का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आए हैं और एंड उसने USA को रिप्लेस कर दिया है। USA पहले टॉप पोजीशन पे था, अभी टॉप पोजीशन पे चाइना। तो ये WIPO क्या है? तो ये ग्लोबल फोरम है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रेगुलेट करती है और ये WIPO कन्वेंशन से बना है 1967 में और इसके हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और यूनाइटेड नेशंस की एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है WIPO। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो रिसेंटली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने मुंबई नागपुर हाईवे को परमिशन दे दी है। ये हाईवे महाराष्ट्र के अंदर है, 701 किलोमीटर का हाईवे। इसका नाम है हिंदू रुद्र सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग जो कि महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा। ये इको सेंसिटिव जोन से भी गुजर रहा है। इसके अंदर आते हैं काटेपूर्णा और कारंजा सोहल ब्लैकबक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तानसा लेक सेंचुरी। आपको मैप में इसको प्लॉट करना है। ये उसका मैप मुंबई से लेके नागपुर तक के महामार्ग है और 10 जिलों से गुजरेगा। फिर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बेसिक्स में हम जाते हैं। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बना है, 2003 में इसका गठन हुआ था। तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, इसके चेयरमैन होते प्राइम मिनिस्टर। इस बोर्ड के परमिशन के बिना कोई भी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपनी बाउंड्रीज को अल्टर नहीं कर सकता। एक एडवाइजरी बॉडी है और इसकी स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसके चेयरमैन होते हैं एनवायरमेंट के मिनिस्टर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म iGOT। तो एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ने स्टार्ट किया है। ये प्लेटफॉर्म जो भी डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पैरामेडिक्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स है,
उन सभी को और बाकी जो भी अन्य वॉलंटियर्स है जो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान करेगा। ये ट्रेनिंग किस तरह दी जाएगी, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म का इसके अंदर यूज होगा और दीक्षा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की चीफ एंटोनियो ग्यूटेरेस उन्होंने कहा है कि जो भी पीस कीपिंग फोर्सेज उनका डिप्लॉयमेंट के ऊपर रोक लगा दी है कोरोना के आउटब्रेक के कारण। तो पीस कीपिंग फोर्स जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑथोराइजेशन से काम करती है। इसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस आते हैं अपने मेंबर कंट्रीज के कलेक्टिव सपोर्ट से आते हैं। इन पीस कीपर्स को ब्लू हेलमेट्स या फिर ब्लू बेरेट्स भी कहा जाता है, जो ब्लू कलर के जो हेलमेट्स पहनते हैं उसके कारण उनको यह नाम मिला है। और इन पीस कीपर्स के अंदर सोल्जर्स, पुलिस ऑफिसर्स या फिर सिविलियन पर्सनल्स भी हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। तो गुजरात के किसानों का मधुबन गाजर से बहुत फायदा हुआ है। तो ये बायो फोर्टिफाइड क्रॉप है जिसको विकसित किया था श्री वल्लभ भाई मरवानिया, ये फार्मर साइंटिस्ट है। तो जो मधुबन गाजर जो है ये वो श्री वल्लभ भाई मरवानिया जो मधुबन गाजर है दे आर हाई इन बीटो कैरोटीन और हाई आयरन कंटेंट में आपको मिलेगा। तो बायो फोर्टिफिकेशन यानी क्या, तो किसी भी फूड क्रॉप का न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देता है उसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ते कैसे, तो क्रॉप के जो भी ग्रोइंग सीजन होते हैं उस ग्रोथ सीजन के टाइम में क्रॉप्स के को विटामिन और मिनरल्स दिया जाता है, उसके विटामिन और मिनरल्स को बूस्ट किए जाते हैं एंड उसके कारण बायो फोर्टिफिकेशन होता है। तो एक और इसमें कंसेप्ट है फूड फोर्टिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन बायो फोर्टिफिकेशन से अलग है। फूड फोर्टिफिकेशन के अंदर फूड प्रोसेसिंग के दरमियान माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। तो श्री वल्लभ भाई मरवानिया इनको नेशनल अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट के द्वारा 2017 में फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन के अंदर, और इनको 2019 में पद्मश्री मिला है। तो फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस प्रेसिडेंट ऑफिस की एक यूनिक इनिशिएटिव है जो कि ग्रास रूट लेवल की इनोवेशंस को सपोर्ट करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो 9 अप्रैल का इसको फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाया था 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जो कि इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। इस बॉडी का काम है कि इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी को मेंटेन करना बाहर की कंट्रीज के साथ में। देन इंडिया के बाहर जो भी इंडियन मिशन है वो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीसीआर की। देन आईसीसीआर कुछ अवार्ड्स भी देते हैं, तो डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड, वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड और जिसेला बॉर्न अवार्ड। तो इंडोलॉजिस्ट अवार्ड जो है वो इंडियन स्टडीज के फील्ड में मिलता है जो फॉरेन स्कॉलर्स को, जो वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड जो है वो फॉरेन स्कॉलर्स को मिलता है संस्कृत के स्टडीज के लिए, और जिसेला बॉर्न अवार्ड ये इंडो जर्मन रिलेशंस के लिए मिलता है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। तो उनका ओरिजिनल नाम था मुहियुद्दीन अहमद। इनका बर्थ हुआ था मक्का सऊदी अरेबिया में। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करते थे। इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन को भी इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने की वीकली स्टार्ट की थी 1912 में, उसका नाम था अल हिलाल। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था गांधी जी के, एंड इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1920 में। 1923 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने और 1940 से 1946 तक ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। इनको 1992 में मरणोत्तर भारत रत्न दिया गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्मी बम अटैक। तो आसाम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में कुछ क्रॉप्स के ऊपर आर्मी बम का अटैक हुआ था। उनको फॉल आर्मी बम भी बोलते हैं। ये ट्रांसबोनर इंसेक्ट है जो कि तेजी से बढ़ते जाते हैं। तो ये फॉल आर्मी बम जो है वो फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं, और जो भी स्मॉल फार्मर्स है उनके लाइवलीहुड के लिए भी खतरा हो सकते हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इन बम के खिलाफ एक मुहिम लॉन्च की है, उसका नाम है ग्लोबल एक्शन फॉर FAW कंट्रोल। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि हंगर को हराने के लिए, न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए और फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए काम करती है। इसका मोटो है लेट्स देयर बी ब्रेड। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे रोम इटली में। इसकी पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो रिसेंटली
OPCW ने ये रिपोर्ट दी है कि सीरिया ने एक अपने ही गांव के खिलाफ केमिकल अटैक्स किए हैं एंड उसके अंदर क्लोरीन और सरीन गैस का यूज हुआ है। इस ऑर्गेनाइजेशन के हम बेसिक्स में जाते हैं तो 1997 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन से ये बॉडी बनी थी। इसका काम है कि जो भी केमिकल वेपन्स है उसका यूज को, उसके ट्रांसफर, उसके स्टॉक पाइलिंग को रोकना, उसके ऊपर रोक लगाना। ये इंस्पेक्शन भी कर दे केमिकल वेपन्स का, इसको 2013 में 2013 में इसको नोबेल प्राइज, पीस प्राइज भी मिला है। इसके हेडक्वार्टर्स है एक नीदरलैंड्स के अंदर। देन क्लोरीन गैस के हम बेसिक्स देखते हैं, एक चोकिंग एजेंट है, ग्रीनिश येलो क्लाउड्स इससे बनते हैं और इसके कारण रेस्पिरेटरी फेलियर, आई की इरिटेशन और डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है सरीन गैस, एक नर्व एजेंट है जो कि इंसेक्टिसाइड्स के तौर पर बना था जर्मनी 1938 में। एक कलरलेस, टेस्टलेस और ऑडरलेस गैस है जो कि हवा में एवोपरेट भी हो सकता है, इसको जीबी भी कहा जाता है। तो ये दोनों भी केमिकल वेपन्स है, क्लोरीन गैस और सरीन गैस। और नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय भंडार। तो रिसेंटली दिल्ली में केंद्रीय भंडार ने कुछ एसेंशियल किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं नीडी फैमिलीज के लिए कोविड के आउटब्रेक पे। तो केंद्रीय भंडार ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि बना था 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर। इसका काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को और जनरल पब्लिक को क्वालिटी, अफोर्डेबल, रीजनेबल प्राइसेस में गुड्स प्रोवाइड करना। ये इंडिया की लार्जेस्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है और एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, यानी इसका जो प्रेजेंस है एक से अधिक राज्यों में है। नेक्स्ट टॉपिक है एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली ऑर्डिनेंस पास किया है, तो इस एक्ट के बारे में हम बेसिक में जानकारी लेते हैं। तो ये एक्ट का यूज होता है किसी भी महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए, डेंगू हो या फिर स्वाइन फ्लू या फिर कोलेरा के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ब्रिटिश एरा में एक्ट को बनाया गया था। ब्रिटिश एरा में 1890s में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जब ब्यूबोनिक प्लेग फैला था उसके लिए एक्ट बनाया गया, एपिडेमिक्स एक्ट 1897। तो ये जो एक्ट है स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज को स्पेशल पावर्स देती है मेजर्स उठाने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट को टेम्पररी रेगुलेशन की पावर मिल जाती है किसी भी पर्सन के या फिर क्लास ऑफ पर्सन के खिलाफ, और किसी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को चेक कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है, उनको सेग्रीगेट कर सकती है हॉस्पिटल या फिर टेम्पररी अकोमोडेशन के अंदर। फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पेनल्टी लगाने के भी वहां पे पावर्स मिलती है अगर किसी पर्सन ने इस एक्ट को फॉलो नहीं किया तो। और इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो नॉर्मली जो रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले लेक्चर्स में, तो रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट जो आते हैं वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आते हैं और MSF, ये दोनों का भी जो ड्यूरेशन होता है ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं और 1 से 28 दिन के लिए लोन्स होते हैं RBI और कमर्शियल बैंक्स के बीच में। बट जब कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तब LTRO से लोन ले सकते, उसका नाम है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो इसका ड्यूरेशन होता है 1 से 3 सालों तक, 1 to 3 years। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, तो अगर किसी बैंक को लॉन्ग टर्म अगर फंड्स मिले लो रेट्स पे तो उसका कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाता है। अगर बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड अगर कम हुआ तो उसकी जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट उसको कम कर सकती है और उसको उसका जो फायदा है वो ग्राहकों को होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैमोसा। तो गैमोसा एक डेकोरेटिव टॉवल है जो कि आसाम में पाया जाता है। इसके दो टाइप्स है, एक को है उका जो नॉर्मल हैंड की या फिर टॉवल के तौर पे यूज करते हैं, सेकेंड है फुलम जो कि डेकोरेटिव है और ये एज एन गिफ्ट के तौर पे या फिर एज ए मेमोरी के तौर पे दिया जाता है, मोस्टली बिहू फेस्टिवल के अंदर दिया जाता है। तो रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि इस गैमोसा से डेकोरेटिव मास्क बने हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन शील्ड टू फाइट COVID-19। तो दिल्ली गवर्नमेंट का ये ऑपरेशन है, इसका फुल फॉर्म है सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटाइजेशन एंड डोर टू डोर चेक्स। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने 21 लोकेलिटीज को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है एंड वहां पे ये ऑपरेशन शील्ड वहां पे लागू करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेबरिंग राइट्स लॉ। तो यूरोपियन कंट्रीज के न्यू डिजिटल कॉपीराइट लॉ का एक पार्ट है नेबरिंग राइट लॉ। इसके अंदर जो भी वेबसाइट्स या फिर सर्च इंजन या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी पब्लिशर का जब डेटा यूज करेंगे, कंटेंट यूज करेंगे, तो उस पब्लिशर को इन सारे वेबसाइट्स या फिर सर्च इंजन्स को कंपेंसेशन देना पड़ेगा नेबरिंग राइट्स लॉ के अंडर।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स फॉर फार्मर्स वेलफेयर। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्टिव दिए है कि वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का यूज करें किसानों को अपने जो भी फसल है उसके योग्य दाम देने के लिए। तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को चलाती है। तो जो भी कॉमोडिटीज पेरिशेबल है एंड जो भी मिनिमम प्राइस सपोर्ट स्कीम से बाहर है उन कॉमोडिटीज को यह मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू होती है। उन फार्मर्स को जो भी रेम्यूनरेटेड प्राइसेस है वो मिल जाएंगे अपने फसल के लिए। देन मेजर्स फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड फार्मर्स। तो पल्सेस एंड ऑयल सीड फार्मर्स के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो उनके लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका जो प्रोक्योरमेंट का जो विंडो है वो 90 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अभी 90 डेज के लिए वो प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो ऐसे फसल का प्रोक्योरमेंट होगा जिसका जो प्राइस है वो एमएसपी से कम हो जाए। तो एमएसपी यानी क्या? एमएसपी यानी ऐसा रेट होता है जिस रेट पे जो भी गवर्नमेंट है वो किसानों से ग्रेन्स खरीदते हैं उसको बोलते हैं एमएसपी। एमएसपी को फिक्स करते हैं इस कमेटी के रिकमेंडेशन जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो नाफेड और अन्य गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है वो पल्सेस और ऑयल सीड्स को प्रोक्योर करती है एमएसपी के रेट पे। तो नाफेड एक फार्मर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड है एंड फार्मर्स के अंदर कोऑपरेटिव मार्केटिंग बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया था। नेशनल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, ये कंपनी एक्ट 1956 में मेंशनड है। तो नाबार्ड के अनुसार जो भी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जो होती है वो हाइब्रिड कंपनी होती है प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बीच में। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेबिनार ऑन कोविड 19 रिस्पॉन्स बाय ट्राइफेड। तो रिसेंटली ट्राइफेड जिसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था यूनिसेफ और WHO के मदद से। इस वेबिनार का मोटो ये था कि जो भी ट्राइफेड ट्रेनर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको बेसिक ट्रेनिंग देना कोविड से लड़ने के लिए, जो भी ट्राइबल गैदर्स है उनको सेफ्टी के लिए। तो ट्राइफेड का ये एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है और एक बॉडी है जो कि ट्राइबल पीपल को अपने गुड्स के लिए सही दाम हासिल करके देती है। नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो रिसेंटली ये जो कंपनी है वो कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स के कारण न्यूज में है। तो क्यों न्यूज में, हमें वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बॉडी के बारे में हम इस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स में। तो बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड, इसकी स्थापना की थी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने 1901 में। इसको 1980 में इसको नेशनलाइज किया गया। ये BPCL जो है वो एकमात्र पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि एंटी मलेरियल ड्रग बनाती है इंडिया में और इंडिया की फर्स्ट कंपनी थी जो कि क्वालिटी केमिकल ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में हम बेसिक्स में डिस्कस करते हैं। तो इनको फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ये वेल नोन इंडियन साइंटिस्ट और टीचर थे और केमिकल रिसर्चर थे। इन्होंने 1896 में एक स्टेबल कंपाउंड डिस्कवर किया जिसका नाम था मर्क्यूरियस नाइट्राइट। इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर और नाइटहुड भी प्रदान किया था 1919 में और 1920 में ये इंडियन साइंस कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए। हमारा लास्ट टॉपिक है आज के डिस्कशन का कौदिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौदिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश के अंदर की सेंचुरी है जो एकमात्र सेंचुरी है जिसमें आपको एशियन एलिफेंट्स मिलेंगे। इस सेंचुरी के अंदर आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट और थॉर्नी फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। तो मैप में देख लेते हैं हम, आंध्र प्रदेश है ये एंड यहाँ पे आपको मिलेगी कौदिन्य सेंचुरी। तो एशियन एलिफेंट्स, इसके तीन सब स्पीशीज है इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन। इन तीनों में इंडियन एलिफेंट सबसे मेजोरिटी तादाद में आपको मिलेंगे। तो IUCN की रेड लिस्ट में अफ्रीकन एलिफेंट्स को लिस्ट किया गया वल्नरेबल के तौर पे और एशियन एलिफेंट को लिस्ट किया है एंडेंजर्ड स्पीशीज के तौर पे। देन इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर इनको एलिफेंट्स को हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में एलिफेंट्स को मोस्ट एंडेंजर्ड के लिस्ट में डाला गया है। देन कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हम डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया था जो कि एलिफेंट सेंसस कराएगा हर 5 साल में। देन इंडियन गवर्नमेंट ने
वर्ल्ड एलिफेंट डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया 12 अगस्त के दिन। फिर गजयात्रा स्कीम स्टार्ट की है जो कि नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन है एलिफेंट के कॉरिडोर को सिक्योर करने के लिए। फिर एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इसका नाम है माइक प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, जो कि 2003 में स्टार्ट किए गए थे और एलिफेंट्स की इलीगल किलिंग के खिलाफ ये काम करती है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो थैंक यू वेरी मच।